दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जो भी तुलसी माँ का विवाह करता है उसे विदाई जरूर करना चाहिए। तो मैं किस तरह से माता रानी का विदाई करती हूँ, कैसे कोइछा भरूँगी, बिल्कुल सरल तरीके से मैं आप सबको ये वीडियो शेयर करूँगी। आज का मेरा फुल ब्लॉग रहेगा और मैं कोई भी मार्केट से सामान नहीं लाऊँगी, जो घर में है उसी में मैं करने वाली हूँ। तो आप सब भी भगवान जी का दर्शन कर लीजिए। ये सुबह का पूजा है, क्योंकि जो सुबह सुबह उनका विदाई कर लिया ना तो ठीक है, नहीं तो 10 बजे के बाद से नहीं करना था। राहु काल आरंभ हो गया था तो उसके बाद से 2 बजे से मुहूर्त है। तो दोपहर के टाइम सबसे पहले मैं किचन वगैरह सब क्लीन करके अब उनका हलवा पूरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो भगवान जी का भोग का है ना थाली, इसके लिए मैं खंगार के फिर इसमें आटा लगाऊंगी। अगर आप थाली गीला है ना, उसमें आटा लगाने जा रहे थे, थोड़ा सा पहले पानी डाल दीजिए नीचे, फिर इसमें आटा डालिए। इससे क्या होएगा ना, आपकी थाली में ना आटा चिपकता नहीं है। मैं आपको अभी लगा के आटा दिखाऊंगी इधर। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है, मैंने सोची आप सबको इस टाइम पर शेयर भी कर देती हूँ। करते करते सब कुछ मैं किचन पर क्लीन करके बर्तन वगैरह इधर रखी थी थोड़ा धुल के, इसको लगा देती हूँ फिर आटा लगाती हूँ। तो आटा आपको ज़्यादा मतलब गुनने का मन नहीं है ना, यानी कि ज़्यादा सानने का इच्छा नहीं कराना है, तो अच्छे से लपेट के उसको रख दो। थोड़े टाइम बाद एक बार फिर से उसको मिक्स कर देंगे ना तो बहुत अच्छा आटा तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आटा अगर सानेंगे तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा, मेहनत कम हो जाता है। और देखिए ये मेरी थाली है आटा गूंदने के बाद। अगर आप कभी भी ना गीले थाली में आटा सानते हैं ना तो चिपक जाता है, तो ये ट्रिक जिसको पता है तो अच्छी बात, जिसको नहीं पता है उनके लिए मैंने ये शेयर कर दी हूँ। तो बस अब पहले पूड़ी बनाऊंगी, उसके बाद मैं हलवा बनाऊंगी, जिसको लापसी भी बोलते हैं, प्रॉपर देसी स्टाइल में बनाऊंगी जैसे गांव में बनता है। तो कभी भी जब मैं खाना बनाने लगती हूँ ना तो बर्तन धुला हुआ जो रहता है उसको वापस धुल के फिर मैं खाना बनाती हूँ, भगवान को भी भोग लगाना रहता है। और अगर उनका कोई वैसा बर्तन है जिसमें सुखाई देना है तो सूखा कपड़ा उनका अलग से रहता है उससे पूछती हूँ, या फिर टिश्यू पेपर रखी रहती हूँ उससे पूछ लेती हूँ। कभी कभार गीला कपड़ा रहता है यानी साफ़ नहीं रहता है तो मैं टिश्यू पेपर भी यूज़ कर लेती हूँ भगवान की थाली वगैरह पोंछने के लिए। तो अभी यहाँ पे बस मैं पहले फटाफट से पूड़ियाँ निकाल लूँगी, और थोड़ा सा पूड़ियाँ इतना बनाना पड़ेगा कि उस घर पे भी बच्चे लोग हैं ना, सबको प्रसाद चला जाए इसके लिए। और ये दोपहर के टाइम की मैं तैयारी कर रही हूँ, इस टाइम लगभग 1 बज रहा होगा, क्योंकि 2 बजे के बाद ही पूजा करना है जो सुबह का नहीं कर पाया। तो मेरा तो सुबह नहीं हो पा रहा था, इसके लिए मैं दोपहर को की हूँ। तो अभी मैं लापसी बना रही हूँ, इसके लिए थोड़ा सा आटा ले ली हूँ, जितना आटा है उससे थोड़ा सा कम शक्कर ले लूँगी और पानी डाल के ना इसको अच्छे से फेंट देंगे। फेंटने के बाद इसको ना इतना फेंटेंगे कि इसमें गांठ न रह जाए, और थोड़ा सा कढ़ाई में देसी घी डालेंगे, तेल में ना बनाएं, देसी घी में ही अच्छा लगता है। और इसमें इस तरह से डाल देंगे, और डालने के बाद भी उतने ही स्पीड में इसको मिक्स करना है। अगर आप मिक्स बराबर नहीं करेंगे तो इसमें गांठ गांठ बन जाती है। और मैं स्टार्टिंग में घी कम डालती हूँ, इसके लिए थोड़ा सा ऊपर से भी मैं घी डाल देती हूँ तो इसमें स्वाद ज़्यादा रहता है। घी साथ में अगर डालते हैं ना तो थोड़ा सा घी वो जल जाता है तो उसका महक कम रह जाता है, तो मैं ऊपर से ज़्यादातर घी डालती हूँ इस तरीके से। और इसमें कोई मेवा मसाला नहीं पड़ता है, ये प्रॉपर हलवा पूरी जो रहता है पहले ज़माने में ऐसे ही बनता था। आपको बहुत कुछ डालना है तो इसमें इलायची पाउडर डाल दें। पर जब कभी हम लोग ना विंध्याचल या कभी भी जाते थे ना कड़े की देवी, तो वहाँ पे ऐसे ही प्रकार का हलवा पूरी बनता था, तो बहुत अच्छा लगता था। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे किचन का सब क्लीन कर लूँगी, सब कुछ हटाने वटाने के बाद अब पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि मुझे 2 बजे के पहले पहले करना है। संध्या काल को कभी भी माँ तुलसी की या बेटी को विदाई नहीं करना चाहिए, इसके लिए सूर्यास्त के पहले पहले ही निपटा दे, बाकी का दीपदान वगैरह है ना वो लेट से कर सकते हैं। चलिए मैं अभी सारा कुछ जो भी पूजा का सामग्री है जमा करके, और उसके बाद तुलसी माता को मंदिर में लाके फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। मैंने कोई विशेष तैयारी नहीं की हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ा जल्दी चले जा रहे हैं और मेरा भी एक्टिवा मेरे पास नहीं है, मेरा बेटा लेके चला जाता तो मैं चल के मार्केट नहीं जाती हूँ। इसके लिए जो भी सामग्री है उसी में मैं आज करने वाली, कुछ भी मैंने बाहर से नहीं मंगाई हूँ। तो यहाँ पर देखिए बस फ्रिज में एक फूल और थोड़ा सा दुर्वा था पहले का, वही मैं यूज़ करूँगी, और बाकी जो घर में चीज़ें हैं उसी से मैं करूँगी। तो एक जगह मैंने अलग हलवा पूरी लगा दी हूँ, क्योंकि गणपति बप्पा को नहीं चलता है, फिर इधर से चढ़ाऊँगी। और ये जो गठजोड़ा है ना, इसको मैंने तुलसी विवाह का उसी तरह से संभाल के रखी थी, विदाई के लिए इसको रखना रहता है, विदाई टाइम इसी गठजोड़ा में मतलब जो रहता है ना इसी में इनका कोइछा भरेंगे, ओटी भरना जिसको भी बोलो आप जो भाषा में वही बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा आचवनी दिखाऊँगी, हल्दी कुमकुम दिखा के इनका पूजन कर लूँगी, और उसके बाद जो भी अच्छा था हल्दी कुमकुम है, दीपक है, धूप दीप दिखा दूंगी, सभी को मंदिर में दिखाऊंगी, भगवान जी को भी मैं दिखाऊंगी माता तुलसी का नाम लेते हुए। जिस भाव से आपको आता है उसी से फिर वापस सिंदूर आज इनको पहनाना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सिंगार के सामान फिर चढ़ाते हैं, पर मैं सिंपल से ही करती हूँ, बस इसी तरीके से जैसा मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद अभी एक फूल था, इसमें इत्र में लगा के मैं लगा दी हूँ, जब मेरे पास फूल नहीं रहता तो फूल की जगह मैं इत्र का ही यूज कर लेती हूँ। तो अभी मैं इनको भोग लगा दूँगी,
भोग लगाने के बाद बस अब तब इनका खाके हो जाएगा, तब मैं इनका कोइछा भरूँगी। तो देखिए ये कोइछा भरने के लिए बस उनका पल्लू को ही पकड़ लिया है, मैं भी एक जगह एक हाथ से नहीं कर सकती, तो पांच बार पांच मुट्ठी इस तरह से चावल छूते हुए भगवान को मतलब माता रानी को छुआते हुए इसे पांच बार कर रखेंगे। और पांच बार रखने के बाद इसमें पूरा पांचवा डाल देंगे, यानी कि ये सूप का मैंने डाल दी। उसके बाद वो दुर्वा था और एक बतासा रख दूँ, और थोड़ी सी इसमें कुछ दक्षिणा है रख दीजिए। उसके बाद थोड़ी थोड़ी हल्दी का अगर गांठ है तो ठीक है, नहीं है तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो सारा कुछ डालने के बाद इस तरह से पकड़ के माता रानी को छुआएंगे, और पांच बार छुआने के बाद इसमें से थोड़ा सा चावल निकालना बहुत ज़रूरी है। या आप बेटी का करें या फिर तुलसी विवाह में ऐसा निकालने के टाइम बोले कि जाओ आप भी आबाद रहे हम भी आबाद रहे, ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। भले ही छोटी बात है लेकिन ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से करके आप उसमें से थोड़ा सा चावल निकाल के और इसको बांध के मैं माता रानी के सामने रख दी हूँ। बाद में इसको मैं जब खोलूँगी ना तब इसको निकाल लूँगी। और ना बहुत सारे जन का क्वेश्चन ये रहता है कि तुलसी माँ का हम विवाह करने के बाद ब्राह्मण को हमें दान कर देना चाहिए। तो देखिए जिसका मर्जी हो कर सकता है, लेकिन मैं कभी भी दान नहीं करती हूँ। बस मैं ये मानती हूँ कि अपने मन का भाव रहता है हम उनका विवाह करते हैं, पर हम अपनी तुलसी माँ का पूजा करते हैं तो हम उनको हर बार क्यों दान करें। हाँ अगर आपको दान करना है तो ऐसा है तो आप उनके ऊपर से उतना पैसा वार के उतार के कोई ब्राह्मण को दान कर दीजिए। ऐसे तुलसी माता को सब दान करते जाएंगे तो पंडित के पास भी बहुत हो जाएगा। हम अपना तुलसी माँ तो रखते हैं, चाहे पाप लगे चाहे पुण्य लगे वो मैं बता दी हूँ आप सबको। तो देखिए इस तरह से जब पूजा हो गया तो मैं इसको अपनी बेटी को कैसे अखबार देना, गले मिलना, हक करना बोलते हैं, तो ऐसा कर ली हूँ। बस मेरा यहाँ पे पूजा हो गया बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से। तो अब मैं ये बना रही हूँ 31 बाती का दीपदान। आज कार्तिक पूर्णिमा का ना पूरे कार्तिक महीने का जो दीपदान मैंने की नहीं की जो छूट गया है सबका मिला के मैं 31 बाती का दीपदान करूँगी। तो इस तरह से देखिए कच्चा सूत है, इसको 15 बार राउंड करने के बाद आधा एक और कर ली, यानी कि 15 का और आधा का करने के बाद इस तरह से लपेट के इस तरह से 15 15 30 हो गया, और एक एक्स्ट्रा था तो 31 बाती तैयार हो गया। इस तरह से फोल्ड करके बाती को बना देंगे इस तरीके से। तो देखिए मैं बाती अभी बना रही हूँ पर अभी नहीं लगाऊंगी, मैं शाम को लगाऊंगी। तो ये कार्तिक महीने में आप दीपदान बहुत ही आराम से पूरे महीने का एक दीपक से कर सकते हैं। इससे आपको पूर्ण कार्तिक महीने का दीपदान का फल मिलता है। कोई कोई 362 बाती का भी दीपदान करता है, जो कि इसी तरीके से 4-5 दीपक तैयार कर लेता है, लेकिन मैं बस कार्तिक मास का एक ही दीपदानी वाला कर रही हूँ। तो ये मैं अभी संध्या काल के टाइम कर रही हूँ। मेरे हाथ में अभी देख रहे हूँ कि आप चूड़ी नहीं है, मैं भूल गई थी, अचानक मेरे हाथ में याद आया क्योंकि मैं दोपहर को अभी कोई वीडियो बना रही थी तो मैंने चूड़ी निकाल दी थी, तो अचानक से मुझे याद आया तो पहले मैं पहन के आई फिर मैं अपनी दीपदान कर रही हूँ। तब देख रहे होंगे अभी मेरे हाथ में बंगड़ी आ गया है, क्योंकि जब मैं अगरबत्ती घुमाने लगी ना तब मुझे याद आया कि मेरे हाथ में चूड़ी नहीं है। तो इस तरीके से अभी मैं तुलसी माँ को यहीं रखी थी, यहाँ पे दीपदान कर ली हूँ। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जब दीपक देवता ठंडे हो जाएंगे ना तब मैं इनको नीचे हटा दूंगी, और उसके बाद इनका गठबंधन वगैरह जो खोलना रहेगा खोल दूंगी। बहुत ही ज़रूरी बात मैं आप सबको अभी शेयर कर रही हूँ, अगर आप इस तरह से दीपदान कर रहे हैं, क्योंकि ये दीपक बहुत मोटा हो जाता है तो बहुत ही ख्याल से दीपदान करें, घर में कर रहे हैं या बाहर से कर रहे हैं, क्योंकि ये दीपक मोटा होता है जब जलता है ना तो काफ़ी दूर तक इसका लौ उठता है, और अगर लास्ट में जब ये शांत होने लगता है तो पूरा दीपक पकड़ लेता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आगे पीछे जगह बना के ही दीपक को रखें और ख्याल रखें। मेरा दीपक जब तक जल रहा था मैं घर में यहीं बैठी थी। तो बस वीडियो को एंड कर रही हूँ, अगर थोड़ा सा अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। जय माता की, राधे राधे।